खुशबू की लहरें, खुशियों की साएं, दिल में छिपी अनगिनत आशाएं। अब हर ख्वाहिश को पूरा करना नहीं होता इतना आसान, लेकिन फिर भी इसी माँ की नन्ही सी रूही ने अपने अरमा को पूरा करने का एक जरिया ढूंढ लिया है। और शूटिंग के टाइट स्केड्यूल के बीच अब रूही अपने फेवरेट डांस फॉर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। वो अपने फेवरेट डांस फॉर्म कथक को सीख अपने सपनों को एक नई दिशा देगी, जिसमें वो पूरी शिद्दत से जुट चुकी है। आज हम आए हैं मेरी कथक क्लास पे और ये है मेरी टीचर मिस पूजा। बिल्कुल, ये इसी का आइडिया था। इनफैक्ट काफ़ी टाइम से ये मुझे बोल रही थी, पर बिकॉज उसकी शूज की वजह से हम नहीं करवा पा रहे थे, तो अब हमने थोड़ा सा कम कर दिया है। एंड रूही अपनी बाकी के एक्स्ट्रा को करिकुलर स्कूल और वो सब कुछ अच्छे से कर रही है और काफ़ी इंजॉय कर रही है। को कथक से इतना लगाव है कि सिर्फ 15 दिन में ही रूही ने कथक के सारे डांस स्टेप्स के नाम और उनकी मुद्राओं के नाम को भी याद कर लिया है। और साथ ही में कथक की वजह से रूही के जिंदगी में इतना अनुशासन आया है कि वो कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने गुरु को याद करती है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अगेन, तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। शी इज एक्चुअली रियली हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, तो फिलहाल बहुत अच्छा कर रही है एंड शी इज वेरी ग्रेसफुल एंड वेरी मस्तीखोर, डज लॉट ऑफ मस्ती। मिस ये करना है, मिस वो करना है, but she's catching up really very good. I'm sure she'll be one of the very good Kathak dancer in the future when she starts her course learning further. हर एक चीज़ basically ये लोग जो सीखते हैं वो उन्हें हर notebook में भी लिखा जाता है, तो उनके याद के लिए और उनके reference के लिए कि वो क्या सीख रहे हैं वो उस हिसाब से वो लोग book में भी लिखते हैं। मैंने तत्कार सीखी है, मैंने त्रिलोक सीखी है, मैंने कथक वॉक सीखी है, फिर मैंने गुरु ब्रह्मा सीखा है, प्रेयर होता है, फिर मैंने स्टेप्स सीखी है, फिर मैंने ताली भी कॉल व्हाट भी ताली जो हम हाथ में करते हैं और खाली जो हम अपने हाथ में करके दिखाते हैं। हाँ, सो दैट्स अनस्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड स्पीच। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसको सीखते हुए, आई थिंक ये इसकी 15th क्लास है और स्कूल में थोड़ा बहुत जो पहले सीख रही थी, बट अब ये कर रही है और ये इसको प्रोफेशनली लेगी, आगे अपने एग्जाम्स देगी। इसमें जैसे हमने टीचर के साथ डिस्कस किया कि इसके लिए क्या ठीक है और जो उन्होंने सजेस्ट किया, बस उसी की तरह ये सीखती जाएगी। अभी तो लर्निंग प्रोसेस है। रूही का कथक के लिए उसके जुनून, उसके दीवानगी ने अब उसके फ्यूचर को एक नई दिशा दे दी है। वो एक्टिंग के साथ साथ कथक को भी एज अ करियर ऑप्शन देख रही है, जिसे वो बढ़ती उम्र के साथ सीखते जाएंगी और एग्जाम्स देकर बाद में उसमें करियर भी परस्यू करेंगी। मुंबई से आरती गुप्ता पांडे की रिपोर्ट।